दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे विचार रखने जा रहा हूं जो उम्मीद करता हूं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके जीवन को प्रेरणा और उत्साह से भर देंगे। साथ ही कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से परेशान लोगों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी कि संघर्ष के पथ पर चलने से श्री राम के भक्त कभी डरते नहीं। संघर्ष के पथ पर चलने से श्री राम भक्त कभी डरते नहीं। जीवन में हारते वही हैं जो डट के कभी लड़ते नहीं। हिफाजत करते हैं जो हमारी अपनी जान पर खेलकर, बुलंद हौसले हैं जिनके हर मुसीबत को झेलकर। हिफाजत करते हैं जो हमारी अपनी जान पर खेलकर, बुलंद हौसले हैं जिनके हर मुसीबत को झेलकर। जख्म अपने भुलाकर जो करे औरों को मरहम, उनके सम्मान में भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छे कर्म करने वालों का सभी गुणगान करते हैं, अच्छे कर्म करने वालों का सभी गुणगान करते हैं। कभी ताली तो कभी थाली बजाकर हम अपने योद्धाओं का तहदिल से सम्मान करते हैं। है जज्बा जिनमें इंसानियत और देशभक्ति का, जो बिना रुके, बिना हारे, बिना थके हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं। है जज्बा जिनमें इंसानियत और देशभक्ति का, जो बिना रुके, बिना हारे, बिना थके हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं। हम सारे देशवासी उनके जज्बे और उनके इरादों को नमन करते हैं। आप सभी का बहुमूल्य सहयोग ही हमारे कर्मठ और निष्ठावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। आप सभी का बहुमूल्य सहयोग हमारे कर्मठ और निष्ठावान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ताकत है। देवियों और सज्जनों, एकजुट होकर लड़ने से ही कोरोना वायरस भागत है। हमारे निस्वार्थ कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले जाहिल और बेगैरत जाने किस नशे में चूर हैं। हमारे निस्वार्थ कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले जाहिल और बेगैरत जाने किस नशे में चूर हैं। जरा सोच कर देखिए, वो आपकी और हमारी हिफाजत के लिए उनके अपनों से भी दूर रहने को कितने मजबूर हैं। बीत गए मुश्किल भरे दिन, ये संकट का पल भी बीत जाएगा। बीत गए मुश्किल भरे दिन, ये संकट का पल भी बीत जाएगा। कोई और जीते न जीते, मेरा भारत कोरोना वायरस से युद्ध अवश्य जीत जाएगा। सबके जाऊं मैं उनके जज्बे और कुर्बानी पर, है नाज मुझे उनकी जोशीली जवानी पर। सबके जाऊं मैं उनके जज्बे और कुर्बानी पर, है नाज मुझे उनकी जोशीली जवानी पर। जो अपनी परवाह किए बिना औरों के लिए जीते हैं, शेरे बबर का कलेजा रखने वाले वो मेरे हिंदुस्तान के चीते हैं। संघर्ष के पथ पर जो धैर्य नहीं खोते हैं, संघर्ष के पथ पर जो धैर्य नहीं खोते हैं, इतिहास गवाह है जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं। फलक के आसमां को भी जमीन पर झुकाया जा सकता है, फलक के आसमां को भी जमीन पर झुकाया जा सकता है। आत्मविश्वास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हार को भी हराया जा सकता है। जुनून अगर हो कामयाबी का तो मुश्किलों की क्या औकात है। जुनून अगर हो कामयाबी का तो मुश्किलों की क्या औकात है। कुछ कर गुजरने की हसरत है जिनमें, ईश्वर भी उन्हीं के साथ है। न झुका हूं मैं, न झुकने दूंगा अपने भारत को, चाहे दुश्मन हो कितना भी बड़ा। न झुका हूं मैं, न झुकने दूंगा अपने भारत को, चाहे दुश्मन हो कितना भी बड़ा। फौलाद से भरा है ये 56 इंच का सीना, शत्रु की पराजय को मैं दृढ़ निश्चय से हूं खड़ा। जब राजा हो मोदी और योगी के जैसा, तो भयभीत होकर किसी भी संकट से डरो ना। जब राजा हो हमारे मोदी और योगी के जैसा, तो भयभीत होकर किसी भी संकट से डरो ना। विश्वास कीजिए, अपना बहुमूल्य सहयोग दीजिए। हमारे योद्धाओं से हार कर अवश्य भागेगा ये कोरोना। जब देश को जरूरत हो आपके बलिदान की, तो उसे देते हुए भारत माता की जय कहिए। जब देश को जरूरत हो आपके बलिदान की, तो उसे देते हुए भारत माता की जय कहिए। मित्रों, जब कोरोना वायरस जैसी
वैश्विक महामारी को हराना हो तो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर पर ही रहिए। दोस्तों, किसी भी माहौल में खुद को असहाय, बेबस या निर्बल समझना अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी भी माहौल में खुद को बेबस, असहाय या निर्बल समझना अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। जीवन में हारता वही है जिसने जीतने की उम्मीद छोड़ी है, जो हारने के बाद भी बिना टूटे अपनी हार पर मुस्कुरा सकता है, जो हारने के बाद भी बिना टूटे अपनी हार पर मुस्कुरा सकता है। ध्यान दीजिए देवियों और सज्जनों, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। क्या लाया था संग तू अपने, क्यों कुछ खोने पर रोता है? क्या लाया था संग तू अपने, क्यों कुछ खोने पर रोता है? कामयाब होने वाला भले ही खुश न रहे, कामयाब होने वाला भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला हमेशा कामयाब होता है। हारिए मत अपना हौसला कि यह आपके इम्तिहान की घड़ी है। हारिए मत अपना हौसला कि यह आपके इम्तिहान की घड़ी है। चुटकियों में बीत जाएगी ये काली अंधेरी रात, उस पार नई सुबह खुशियों की सौगात लिए आपकी राहों में खड़ी है। आध्यात्मिक शक्तियां और संयम हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आध्यात्मिक शक्तियां और संयम हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। देवियों और सज्जनों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, खुश रहकर अपनी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। खुश रहकर अपनी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। यदि आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।